हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड ऑल द टाइम, यानी खुद को हमेशा मोटिवेटेड कैसे रखें। फ्रेंड्स, मुझसे अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हर किसी की लाइफ में मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो अगर कभी मोटिवेटेड हो जाते हैं किसी इंस्पिरेशनल कुछ स्टोरी से या वीडियो देखकर या किसी बात से, तो थोड़ी देर या थोड़े दिनों तक मोटिवेशन रहता है और फिर बाद में फुस सारी हवा निकल जाती है और लाइफ फिर उसी धर्रे पर आ जाती है। मतलब ये मोटिवेशन को मेंटेन रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आज हम ये जानेंगे कि हमेशा हम खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें। इसके लिए हमको एक सीक्रेट समझना पड़ेगा। हमारे पास मोबाइल होता है, सबके पास है, तो क्या करते हैं हम, मोबाइल को हम चार्ज करते हैं। तो एक बार चार्ज करने के बाद आपका मोबाइल कितनी देर काम करता है, कुछ घंटे या दिन, लेकिन फिर से दोबारा बैटरी डिस्चार्ज होती है, आपको फिर से चार्ज करना पड़ता है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम रोज़ सुबह नहाते हैं ना, हम लोग डेली नहाते हैं, रोज़ नहाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन आप नहा लें और आप छुट्टी कि अब आपको नहाना ही नहीं पड़ेगा कभी, हमेशा आप फ्रेश रहेंगे, हमेशा आप एकदम साफ़ सुथरे रहेंगे, ऐसा नहीं होता ना। बिल्कुल वैसे ही हमारे माइंड स्टेट के साथ में होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमको हमारी शारीरिक जो गंदगी है, मैल है, पसीना है, डस्ट है, उसको दूर करने के लिए हमें नहाना चाहिए और रोज़ नहाना चाहिए, उसी तरह से हमें हमारे मानसिक रूप से जो गंदगी है उसको भी दूर करने के लिए डेली मोटिवेशनल हमको डाइट चाहिए। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम एक बार किसी मोटिवेशनल गुरु या मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लें और फिर ऑल द टाइम, ऑल द लाइफ टाइम आपको बिल्कुल मोटिवेशन रहेगा, ऐसा नहीं होता। हमको हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए मोटिवेशन की डेली डोज चाहिए। अब कैसे करें हम खुद को मोटिवेट और कब करें, चलिए ये जान लेते हैं। आज के वीडियो में हम 5 गोल्डन रूल्स जानेंगे जिससे हमारे अंदर हमेशा हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन बना रहेगा। नंबर 1, हर रोज़ कम से कम एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखें। यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस अवेलेबल है, आप कोई भी एक वीडियो रोज़ देखें। और अगर आपके पास में कोई मोटिवेशनल बुक है तो ये और भी अच्छी बात है, उस बुक का आप डेली थोड़ा थोड़ा सा पार्ट पढ़ते रहिए। तो ये हुई आपकी मोटिवेशन को मेंटेन करने की डेली खुराक का पहला आइटम। नंबर 2, रोज़ किसी न किसी एक सक्सेसफुल पर्सन के बारे में पढ़ें। बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन्स की बायोग्राफीज़ और उनसे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, उनसे रिलेटेड बहुत अच्छी बुक्स भी हैं, कई ऐसी मूवीज़ भी हैं जो सक्सेसफुल पर्सन्स की लाइफ पर ओरिएंटेड हैं। रात में, दिन में, कभी भी आप टाइम मिले, आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में उसकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ किस्से, कुछ बातें पढ़िए। ये आपके हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए बहुत ही मैजिकली वर्क करेगा। नंबर 3, और ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा आलसी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि उनको सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आलस हो जाता है, उनका किसी भी काम करने को मन नहीं करता, बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं रहते, उनको लगता है कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, ये है एक मैजिकल ट्रिक। अगर आपको रोज़ सुबह कुछ भी काम करने का मन नहीं करता तो एक काम करिए, एक इंस्पिरेशनल वीडियो देखिए, कोई भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक छोटे से वीडियो के फॉर्म में, एक स्टोरी के फॉर्म में, कैसे भी आप देखिए, या अगर आपके पास पे इंस्पिरेशनल बुक्स हैं तो उनका एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा चैप्टर पढ़िए और फिर आप देखेंगे इसका मैजिक। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है, बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई है, बहुत सारी एक्साइटमेंट आपको मिलेगा उस एक छोटी सी इंस्पिरेशनल वीडियो से। नंबर 4, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपके आसपास में जो भी ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं,
जो हार्डवर्किंग है, जो सक्सेसफुल है, या वो किसी ना किसी फील्ड में अचीवर हैं, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा सा बच्चा भी हो सकता है, आप उनसे मिलने का मौका तलाशिए, उनसे बात करिए, उनके बारे में जानिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह से सक्सेस हासिल की है। फ्रेंड्स, ये आपको बहुत मोटिवेट करेगा। जब आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो टॉपर्स हैं या कुछ भी जो उनमें टैलेंट है, उस टैलेंट को वो परस्यू करते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर भी इस तरह की एनर्जी, इतना एक्साइटमेंट जनरेट होता है, आपको लगता है कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर भी इस तरह की पावर्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जब भी मौका मिले, मौके को तलाशिए, मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, ऐसे लोगों से मिलिए, बात करिए, उनके बारे में जानिए। अचीवर्स एंड सक्सेसफुल लोगों से मिलने का एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न भी है। जब जब आप किसी अचीवर से मिलेंगे या कोई सक्सेसफुल पर्सन से आप बात करेंगे, तो आप नोटिस करिए कि वो कभी भी महंगाई के बारे में बात नहीं करेगा, सरकार ने कुछ नहीं किया ये नहीं कहेगा, लोग क्या कहते हैं वो बातें नहीं करेगा, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, मुसीबतें, ऐसे वर्ड्स उनकी डिक्शनरी में नहीं होते हैं। तो जब आप उन लोगों से बात करेंगे तो आप में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। नंबर 5, एंड फ्रेंड्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, रोज़ सुबह उठते ही आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपनी डेली टास्क टू डू लिस्ट को देखना है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्मार्टली अपने लाइफ गोल सेट करें और डेली बेसिस पे हमको आज क्या करना है, उस दिन की हमको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उन सारे टास्क टू डू लिस्ट में से जो प्रायोरिटी पे काम करने हैं उनको प्रायोरिटाइज कर लें। अगर आप सुबह उठते हैं और आपके पास में वो काम जो आज आपको निपटाने हैं उनकी लिस्ट नहीं है, तो आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम करना है या कब करना है? सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक तो हमें हमारे गोल्स पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, गोल्स हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड अगर आपने गोल सेटिंग पे हमारा वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उसे भी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ना सिर्फ एक टास्क टू डू लिस्ट बनाएं डेली बेसिस पे, हर काम को कितने समय में पूरा करना है ये तय करें, और कामों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर करें, उनकी प्रायोरिटीज़ फिक्स करें, तो आपको ना तो प्रोक्रेस्टिनेशन होगा और ना आपको आलस होगा, और आप हमेशा रिचार्ज होंगे, एकदम हाई मोटिवेशनल स्टेट में होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये काम करने के बाद में ये करना है, ये काम करने के बाद में ये करना है, एंड ऑलरेडी आपने जो बूस्टर डोजेज हैं वो अप्लाई कर ही दिए। इससे आप हमेशा अपने आप को हाईली मोटिवेटेड फील करेंगे। करके देखिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।